नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरल सिलाई ए टू जेड में। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में 40 इंच सीने का सादा ब्लाउज़ बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ब्लाउज़ बनाने के लिए हम 1 मीटर का ब्लाउज़ का कपड़ा ले लेंगे और उसे खोलकर टेबल पर बिछा लेंगे। ये देखिए, ये कपड़े की चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो लंबाई वाले साइड से हम इसे एक बार फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने पर सीने का चौथाई हिस्सा प्लस 2 इंच आना चाहिए। सीना 40 है तो 40 का चौथाई हिस्सा 10 हो जाएगा। 10 में 2 इंच प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमें 12 इंच चौड़ा इसे मोड़ना है। बंद साइड हमारी तरफ रहेगी और खुली साइड दूसरे साइड रहेगी। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमें ब्लाउज़ की तैयार 15 चाहिए, तो हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम कपड़े के बंद हिस्से से 6 इंच कंधे का निशान लगाएंगे, 6 इंच चौड़ा, और 6.5 इंच हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और उसे कपड़े के खुले हिस्से में ले जाकर मिला देंगे। ये देखिए, 10 इंच हमारी फिटिंग की निशान हो गई। अब हम कपड़े के बीचों बीच से 2.5 इंच चौड़ा ऊपर से और 2.5 इंच नीचे से और 1.5 इंच बीच से निशान लगाकर हम आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। अब कमर का चौथाई हिस्सा, कमर 36, उसका चौथाई हिस्सा 9 हो जाएगा। उसमें 1 इंच प्लेट के लिए हम एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का लेकर के इसे ऊपर से हम सीने से मिला देंगे। अब हमें गला बनाना है तो 3 इंच चौड़ा और जितने भी आपको बैक नेक की लेंथ चाहिए उतना हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा निशान लगा लिए हैं और इसे गोलाई में हम निशान लगा लेंगे। अब कंधे के बीचों बीच से हम 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। एक सीधा प्लेट्स के लिए हम कंधे की ओर थोड़ा सा बस झुकाव देंगे, एकदम थोड़ा सा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकती हैं। अब हम इसे काट लेंगे। अब यही निशान दूसरे साइड लगाने के लिए इसको हम इस तरीके से पलटकर इस पे हाथ से हल्का सा दबाएंगे तो ये निशान दूसरी जगह भी लग जाएगा। अब हम आगे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। तो जो कपड़ा बचा है इसको हम बिछा लेंगे टेबल पर। इस तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे। अब कपड़े को टेबल पे रखने के बाद जो बैक साइड की हमने कटिंग की थी इसको हम आगे वाले कपड़े पर रख करके ऐसे ही निशान लगा लेंगे। बस हमें आगे वाले साइड में ये ध्यान देना है कि इसकी लंबाई 1 इंच ज़्यादा होगी और चौड़ाई में भी ये 1 इंच ज़्यादा होगा। बाकी सब ऐसे ही निशान लगा लेंगे। ये देखिए, 1 इंच ज़्यादा है लंबाई और चौड़ाई में। इसी तरीके से हम इसको रख करके निशान लगा लेंगे। अब पीछे वाली कटिंग हटाने के बाद ये जो आर्म होल है वहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो कंधे के बीचों बीच से हम 10 इंच पर हम बीच में निशान लगाएंगे।
जितना भी सीना होता है उसका चौथाई हिस्सा हम टक्स के बीचों बीच के लिए निशान लगाते हैं। अब हम इस डॉट से 1.5 इंच छोड़ करके बटन पट्टी की ओर, 1.5 इंच छोड़ करके नीचे की ओर और 1.5 इंच छोड़ करके साइड की ओर और 2 इंच छोड़ करके हम आर्म होल की ओर निशान लगाते हैं इसमें। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रखिएगा। अब सेम ऐसे ही दूसरी साइड निशान लगाने के लिए हम इन दोनों कपड़े को साथ में रख करके ऐसे नाखून से निशान बना देंगे तो दूसरे साइड भी ये छप जाएगा। अब हम इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। ये देखिए हमारे फ्रंट साइड की भी कटिंग हो गई। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग के लिए ये हम कपड़ा लेंगे, इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने से पहले ये जो इसका कटा हुआ हिस्सा है इसे निकाल करके हम सीधा कर लेंगे। पहले जो इसका तिरछा कपड़ा है इसे काट कर हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने पर सीने का चौथाई हिस्सा इसकी चौड़ाई आनी चाहिए। लंबाई आप अपने हिसाब से रखिएगा। ये देखिए हमें आस्तीन की लंबाई 8 इंच चाहिए। 1 इंच हम मोहरी में मोड़ने के लिए छोड़ देंगे और 8.5 पर हम निशान लगाएंगे तो टोटल 9.5 हो जाएगा। ये देखिए इसकी चौड़ाई हमें 10 चाहिए। 10 नहीं है तो हम कपड़ा इसमें जोड़ेंगे। अब 3.5 इंच हम आर्म होल की तरफ से चौड़ाई का निशान लगा करके ऊपर हम तिरछा मिला लेंगे और यहाँ से हम आस्तीन बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा निशान मैं टेबल पे लगा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना हमें कपड़ा जोड़ना है। ये देखिए इतना ही कपड़ा हमें जोड़ना है। तो पहले हम कपड़े जोड़ लेंगे उसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। अभी हम सीधा कपड़ा काट रहे हैं। ये जो कपड़ा निकला है इसको हम जोड़ लेंगे। ये देखिए हमारा कपड़ा जुड़ गया है। अब हम इसको, ये 2 आस्तीन है तो हमारा ये 2 कपड़ा है। अब ऐसे ही हम निशान लगाएंगे। ये देखिए आर्म होल वाली साइड से 3.5 इंच चौड़ाई, ये 10 इंच हमारा सही आ रहा है कपड़ा। देखिए इस तरीके से हम आधा गोला बना लेंगे। गोलाई में हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे और जितनी भी मोहरी है उसका 1.5 प्लस 2 इंच पर हम, मोहरी हमारा 12 है, 12 का आधा 6 और 2 इंच एक्स्ट्रा 8 इंच पर हम निशान लगा करके आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई। अब हम एक साइड हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा काट लेंगे ताकि आस्तीन जोड़ते समय ब्लाउज़ में झोल ना आए। अब हम बचे हुए कपड़े से तिरछी पट्टियां काट लेंगे गले पे लगाने के लिए। ये 1-1 इंच चौड़ी हम तिरछी पट्टी काट लेंगे। तिरछी पट्टी काटने के बाद हम हुक में लगाने के लिए चौड़ी पट्टियां काट लेंगे। 3 इंच चौड़ी बाएं तरफ और 1.5 इंच चौड़ी दाएं तरफ हम लगाएंगे। अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो देखिए पहले हम पीछे वाला हिस्सा सिल लेंगे। तो जो प्लेट्स के लिए निशान लगाए थे उसको हम 1 इंच दबाते हुए हम डबल सिलाई चला लेंगे दोनों साइड। देखिए हमारी सिलाई हो गई। अब ऐसे ही जो आगे वाला हिस्सा है इसको भी जो हम टक्स का निशान लगाए हैं 1/2 इंच हम
इसको दबाते हुए हम सिल लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आप हमें सरल सिलाई A to Z के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से हम दोनों साइड का सिल लेंगे। ये देखिए, हमारा सिलाई हो गया। अब हम कंधा जोड़ लेंगे दोनों का, फ्रंट और बैक दोनों साइड की कटिंग का हम कंधा जोड़ लेंगे। देखिए, हमारा कंधा जुड़ गया है। अब हम आस्तीन जोड़ेंगे। तो आस्तीन जोड़ने से पहले ये जो हमारा मोहरी वाला हिस्सा है, इसको दो बार मोड़ करके हम तुरपन कर लेंगे। ये देखिए, हमारा तुरपन भी हो गया है। अब हम इसको, ये जो कटिंग वाला है, एक्स्ट्रा कटिंग है, उसको हम आगे की ओर जोड़ेंगे। इस तरीके से हम नाप के देख लेंगे कि हमारी आस्तीन सही कटी है या नहीं। ये देखिए, आस्तीन बिल्कुल बराबर आ रही है, हमारी आस्तीन सही कटी है। इसको हम सिल लेंगे। अब इसी तरीके से हम दोनों आस्तीन लगा लेंगे। ये देखिए, हमारा दोनों आस्तीन लग गया। अब हम हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो हम जो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटे थे, उसको हम दाईं तरफ एकदम सीधा सिलाई चला लेंगे। अब ये देखिए, इसको हम पलट करके एकदम किनारे हम एक सिलाई चला लेंगे। और जो खुला हुआ है, उस पर हम तुरपन कर देंगे। अब जहाँ आई बनाते हैं, वहाँ पर हम ये 3 इंच चौड़ी वाली पट्टी लगाएंगे, इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकती हैं। अब इसको पलट करके हम एक सिलाई किनारे लगा लेंगे। अब इसको इस तरीके से मोड़ करके हम इस पर सिलाई चला लेंगे। अब हम जो तिरछी पट्टी काट के रखे थे, इसे हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब ये पट्टियाँ आपस में जोड़ने के बाद हम इसे गले पर लगाएंगे। तो इसे गले पर लगाने के लिए, ये जो तिरछी पट्टी है, इसे एक बार ऐसे मोड़ना है और एक बार इस तरीके से मोड़ करके गले पर हम सीधा सिलाई चला लेंगे। सिलाई के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा भी काट लेंगे। अब इसे इस तरीके से मोड़ करके हम तुरपन कर देंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा धागा और एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकला, उसे काट लेंगे। सिलाई होने के बाद इसे इस तरीके से मोड़ करके हमें तुरपन कर लेना है। देखिए, गला भी हमारा बन गया, आस्तीन भी हमारा लग गया।
अब हमें जो नीचे वाला हिस्सा है इसे इस तरीके से मोड़ करके तो अपन यहाँ भी कर लेना है। ये देखिए हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की तरफ इसे करके एक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे उल्टा करके फिटिंग का निशान लगाएंगे। इससे ब्लाउज़ में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब इसे उल्टा करके हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान लगाने के लिए ये देखिए इसे इस तरीके से हम रख लेंगे इस ब्लाउज़ को। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये देखिए जितना भी सीना है उसका चौथाई हिस्सा, सीना 40 है उसको 4 से भाग देंगे 10 आएगा। कमर 34 है उसको 4 से भाग देंगे तो 8.5 आएगा। अब दोनों सीना और कमर को मिला लेंगे और आस्तीन 12 है मोहरी, तो 12 का आधा 6 होता है। 6 पर निशान लगा करके सीना कमर और आस्तीन को मिला लेंगे हम। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी निशान लगाएंगे 10 पर सीने का, 8.5 पर कमर का। दोनों को मिलाने के बाद 6 इंच पर हम आस्तीन का निशान लगाएंगे। ये देखिए ये 20 इंच इसको खोलने पर आ रहा है, 20 का दुगना 40, 40 इंच सीने का बन रहा है ये ब्लाउज़। अब हम इस निशान पे हम मशीन चला लेंगे। ये देखिए हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया। अब इसे हम सीधा करके प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से सिलाई जो है बैठ जाती है। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया है। इसको हमने प्रेस कर लिया है। इसका गला भी एकदम गोल बना है, आस्तीन भी लग गई। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।